बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ तीन ऐसे बेस्ट बिजनेसेस जो कि कभी भी ठप नहीं होते, अच्छा मुनाफा देते हैं और बेस्ट बिजनेसेस आते हैं। दुनिया के 5 बेस्ट बिजनेसेस में से तीन हैं। मैं आप लोगों के लिए तीन इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि पाकिस्तान में इन तीन ही का सबसे ज्यादा ट्रेंड है और ये वो बिजनेसेस हैं जो आपको लाजमी प्रॉफिट देंगे, कभी भी आपके पैसे को डुबोएंगे नहीं। तो बिना किसी डिले के बढ़ते हैं हमारी आज की इस वीडियो की तरफ। नंबर 3 से नंबर 1 पे जाएंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि मैंने ये जो बिजनेसेस लिए हैं ये इन्वेस्टमेंट के लिहाज से जो है ना, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। जिनमें सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी वो नंबर 3 पे होगा, जिसमें उसके बाद कम होगी, फिर उसके बाद जो सबसे कम इन्वेस्टमेंट होगी वो नंबर 1 पे होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। नंबर 3 पे जो हमारे पास बिजनेस है वो है कंस्ट्रक्शन का। जी हाँ, प्रॉपर्टी या कंस्ट्रक्शन का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो कि कभी भी डूबता नहीं है, हमेशा इसके रेट हाई होंगे, हमेशा ही आपको प्रॉफिट देगा और हमेशा ही आपको अच्छा वैल्यूएबल रिटर्न देता है। देखें, इसमें थोड़ी सी जो चीज चाहिए होती है वो आपको तहमल चाहिए होता है, लेकिन इसका रिस्क फैक्टर बहुत ही ज्यादा कम है। अगर आपके पास पेशेंस है और आप सब्र कर सकते हैं तो एक ऐसा बिजनेस है जो आपको कल को एक बहुत अच्छा और हैंडसम अमाउंट जनरेट करके देता है। दुनिया के जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन है वो लाजमी कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में है, क्योंकि उनको पता है इसकी वैल्यू का, इसकी वर्थ का, इसलिए जो है ना वो इस बिजनेस को बहुत प्रेफरेंस देते हैं। नंबर 2 पे जो बिजनेस है वो है फूड बिजनेस। जी हाँ, अगेन मैं बहुत सारी वीडियोस में बात कर चुका हूं कि फूड का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो कि आपको बहुत अच्छा रिटर्न देता है। अगर आपके हाथ में टेस्ट है या फिर आप एक फूड के बिजनेस चलाने के एक्सपर्ट हैं और आप ऐसे कुक्स ले सकते हैं जो कि आपको टेस्ट प्रोवाइड करें, तो यकीन जानिए इससे बेहतरीन बिजनेस कुछ भी नहीं। क्योंकि हर बंदे ने खाना है, कुछ लोग जरूरत के तहत खाते हैं बाहर से, कुछ लोग ट्रेंड के तौर पे खाते हैं। जो लोग बेचारे गरीब हैं या जो हैं वो लोग जरूरत के टाइम पे खाते हैं, उनकी अगर नीड को आप देखेंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत कम है और आप कोई छोटी सी एक वन डिश आइटम के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने ट्रेंड को कॉपी करना है, एलीट क्लास को कॉपी करना है, तो ऑब्वियसली उसके लिए इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी, एक अच्छा सेटअप बनाना पड़ेगा, एनवायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, वेटर्स रखने पड़ेंगे और उसके बाद एट दी एंड मेन चीज जो आपको टेस्ट देना पड़ेगा। तो ये आपका ऐसा बिजनेस है जो आपको रातों रात अमीर बना देगा। नंबर 1 पे जो हमारे पास बिजनेस है जो कि सबसे अच्छा बिजनेस है वो है क्लॉथ्स का। जी हाँ, हर बंदे ने कपड़े पहने हैं, चाहे वो मर्द है, चाहे औरत है, चाहे बच्चे हैं, चाहे बूढ़े हैं। तो जिन लोगों ने भी कपड़े पहने होते हैं तो जाहिर बात है जब ये ईद आती है, दूसरे इवेंट्स आते हैं, तो इन लोगों ने परचेजिंग करनी होती है, कपड़े खरीदने होते हैं। डिपेंड करता है आप स्टिच रखें, नॉन स्टिच रखें, किसी भी किस्म का कपड़ा रखें, टोपियां रखें, किस क्लॉथिंग से रिलेटेड किसी भी किस्म की चीज रखेंगे तो वो आपको बहुत अच्छा हैंडसम अमाउंट जनरेट कर देगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि जी आप अच्छी अमाउंट जनरेट करें और लेस इन्वेस्टमेंट को देखें, फूड के बिजनेस में भी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और कंस्ट्रक्शन के बिजनेस तो बहुत ही ज्यादा है, तो तीनों में से जो बेस्ट बिजनेस है जिसमें इन्वेस्टमेंट भी कम है, रिस्क फैक्टर भी कम है, वो क्लॉथिंग का बिजनेस है या फिर ड्रेसिंग का बिजनेस है, आप कह सकते हैं। आप पैंट शर्ट्स रखें, आप साड़ियां रखें, आप अनस्टिच कपड़े रखें, लेडीज के, मेंस के स्टिच कपड़े रखें, फिर उसके अलावा डिफरेंट कैप्स रख सकते हैं, ये सारी चीजें ड्रेसिंग में आती हैं, तो ये आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके दे सकती है और ये बहुत ट्रेंडिंग बिजनेस है। आप शॉप जब बाजारों में जाते हैं आपको सबसे ज्यादा शॉप जो है ना वो क्लॉथिंग की नजर आती है। ये वो तीन ऐसे रिसर्च बेस्ड बिजनेसेस थे जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए कि जो ऐसे हैं कि जो कभी भी आपके पैसे को डुबोएंगे नहीं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे इंशाल्लाह ताला आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।